पखवाड़ा, मासी घर पखवाड़ा, खास करके किशोरियों के लिए, इसके लिए किशोरियों के लिए, किशोरियों को स्वच्छता अपनाने के लिए उसको जागरूक करना है। शर्माना नहीं है, चुप्पी तोड़ना है, झिझक तोड़ना, कोई तरह की भी बात होती है घर में अगर कोई नहीं है आपका यानी कि महिला मेंबर, तो आप पिता और भाई से भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे घबराना नहीं, हमको क्या हो गया। तो ये प्रायः जो शुरू हो जाता है 11 साल से शुरू हो जाता है, 13-14 में खत्म हो जाता है ये मासिक धर्म। लेकिन इसके लिए छात्र है, देखते हैं ना दिख समझाने के लिए, मैंने 30-31 दिन है, तो इसमें ये जो रंगा हुआ देख रहे हैं बच्चे, इसको देख रहे हैं ना रंगा हुआ, और यही इतना ही दिन ये मासिक धर्म रहता है, 1, 2, 3, 4, 5 ज्यादा से ज्यादा 6, ठीक ना, बस। और बाद बाकी ये खत्म हो, ठीक, तो ये रंगा हुआ इतना दिन है, बाद बाकी ऐसा दिन आपका रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ प्यार लेना, प्यार देख रहे ना, ये प्यार, ये क्या है, पैड है, और पैंटी भी साफ होना चाहिए, पैड को बदलते रहना चाहिए, पैड को क्या करना है, बदलते रहना है, और पैंटी भी साफ रखना है, और अपना प्राइवेट पार्ट हो उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो फिर हम बीमार पड़ेंगे, क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, हम जननी है ना, हमको भगवान ने जननी बना के भेजा, अगर कोई तरह का बात होगा तो हम जननी नहीं बन पाएंगे, कितना दुख होगा बाद में कि हम माँ नहीं बन पाए, समझ रहे हैं, और ऐसे भी लंबी आयु होगी, बीमार पड़े, बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं आजकल, तो लंबी आयु जीना है, दुनिया को देखना है, तो स्वच्छता को अपनाना, तो अपनाइएगा ना, बोलिए झिझक तोड़िए, चुप्पी तोड़िए, अगर इस तरह की बात आपके साथ होती है तो घर में आप किसी मेंबर को भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना, एक तो रेड डॉट यही है, रेड डॉट यही करता है, इंतजाम करते हैं, ये रेड डॉट कह रहा है कि अब हम किशोरी जो है अब इसमें हम शर्म नहीं करेंगे, हम किशोरियां शर्म नहीं करेंगे, हम दुनिया को दिखा रहे हैं इसमें भी हम आगे रहेंगे, क्योंकि हमको स्वच्छता अपनाना है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।